हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 27 मई की टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे केवल 5 मिनट में। आज के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया और इसराइल ने एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट साइन किया है 2021 से 2023 तक। इसका मुख्य उद्देश्य पानी और कीटनाशक का प्रयोग खेती में कम करना है, क्योंकि इसराइल में 60% भाग पर कृषि नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इसराइल कृषि पदार्थ निर्यात करता है। कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमारे देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि मॉडर्न टेक्निक का यूज कर कैसे कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। के लक्ष्मी नारायण प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए गए हैं पुडुचेरी की विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जब निर्वाचित सदन ने अपने स्थायी स्पीकर का चुनाव नहीं किया होता है, उस समय अस्थायी स्पीकर के रूप में प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, जिसका मुख्य काम सदन की गतिविधियों को चलाने के लिए सदन के सदस्यों के बीच में से ही किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनाव किया जाता है। मुख्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ मेंबर को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केंद्र में प्रेसिडेंट और राज्यों में गवर्नर करते हैं। पुडुचेरी के CM बने हैं N. रंगास्वामी, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदराजन। पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। थर्ड न्यूज है, साइंटिस्ट ने अभी मिनी हर्ट ऑर्गन डेवलप किया है लैब में। इसे वियना ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ग्रो किया है। यह मानव की स्टेम सेल से बनाया गया है। यह सेसमे सीड्स के आकार का कार्डियक मॉडल है, जो रियल हर्ट की तरह बीट करता है। यह टीनी हर्ट ऑर्गन है, जिसे कार्डियोइड्स कहते हैं। मानव के शरीर में स्टेम सेल से जो ऑर्गन डेवलप होता है, उस प्रोसेस को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑस्ट्रिया एक यूरोप की कंट्री है, जिसकी कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड हुई है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। इसमें मेंस 73 केजी में अंचिता शी उली ने सिल्वर मेडल जीता है। अंचिता शी उली बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दस्तलिक है, 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसका दूसरा संस्करण हुआ है 2021 में उत्तराखंड में। ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 के वार के समय शांति स्थापित करने के लिए, जिसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री भाग लेने गए थे, जहाँ पर उनकी कार्डियक अटैक से निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, स्टेटमैन थे और इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वर्चुअली हेल्ड हुई है 24 मई से 1 जून तक। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इस बार की थीम है एंडिंग दिस पैंडेमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एनुअली मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड में होती है, बट COVID-19 की वजह से इस बार यह वर्चुअली हेल्ड हुई है। एंटीबॉडी कॉकटेल। एंटीबॉडी कॉकटेल एक ड्रग है, जिसे दो एंटीबॉडीज के मिक्सचर से बनाया गया है, KCRV-MAB और IMDAVI-MAB। इन दोनों एंटीबॉडीज को मिलाकर एंटीबॉडी कॉकटेल बनाया गया है, जिसे भारत में अवेलेबल कराएगी रोश और सिप्ला कंपनी। रोश बेसिकली स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, सिप्ला इंडियन कंपनी है। ये दोनों कंपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में अवेलेबल कराएंगी। एंटीबॉडी कॉकटेल का जो मुख्य काम है वो है कि ये कोरोना के वायरस के अटैचमेंट को ह्यूमन सेल से रोकेंगी, यानी कि ह्यूमन सेल में एंटी करने से पहले ही ये कोरोना वायरस को ब्लॉक कर देंगी। इसका जो प्राइस है वो लगभग 60,000 है, मतलब 59,750 है। रीनेम द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। बलवीर सिंह
सीनियर ये हमारे हॉकी के प्लेयर थे। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल और भारत की तरफ से इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 1952 के ओलंपिक्स गेम में 5 गोल बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ और भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। द रिक्लाइनिंग बुद्धा, रिक्लाइनिंग बुद्धा मीन्स लेटे हुए बुद्धा। बुद्धा की लेटी हुई जो तस्वीर है वो हम अभी स्थापित करने वाले थे बोध गया बिहार में, जो COVID-19 की वजह से नहीं कर पाए हैं। इससे पहले भी भारत में बुद्धा की लेटी हुई तस्वीरें हैं, जैसे केव नंबर 26 जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है, उसके अंदर 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची बुद्धा की रिक्लाइनिंग मूर्ति है जिसे वहां पे रखा गया है। उसी तरीके से कुशीनगर में भी बुद्धा की 6 मीटर लंबी एक सैड स्टोन का मोदलिक स्टैचू है जो रिक्लाइनिंग शेप में है। इंडिया की हम लार्जेस्ट स्टैचू बना रहे थे रिक्लाइनिंग बुद्धा की बोध गया टेम्पल में, जिसे COVID-19 की वजह से रास्ट्रिक कर दिया गया है। इंडिया अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ फर्स्ट कंसल्टेंट इन द मालदीव्स। भारत मालदीव्स में फर्स्ट कंसल्टेंट खोलने जा रहा है। मालदीप पहली कंट्री है जिसको इंडिया ने वैक्सीन अवेलेबल कराई थी। मालदीप साउथ एशिया की कंट्री है, इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। दुबई ने वर्ल्ड का फर्स्ट इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस लॉन्च किया है जिसका नाम है नेपच्यून। इसे UAE बेस्ड शिप एंड वेजल मैन्युफैक्चरिंग फर्म सीगेट शिपयार्ड ने बनाया है। UAE पहली अरब कंट्री है जहाँ पे अरब का वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट लगा है जिसका नाम है बारा कहा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।